आपका क्वेश्चन है सम ऑफ फर्स्ट 14 टर्म्स ऑफ एन एपी इज 1505 एंड इट्स फर्स्ट टर्म इज 10, फाइंड इट्स 25th टर्म। ठीक है, तो इसने क्या क्या दे रखा है? इसने दे रखा है सम ऑफ फर्स्ट 14 टर्म्स, यानी कि एस 14 दैट इज इक्वल टू, फॉर्मूला क्या होता है हमारा, एन बाय टू, एन बाय टू, नेक्स्ट टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी इंटू डी। ठीक है, और साथ में इसने क्या दे रखा है, इट्स फर्स्ट टर्म इज 10, दैट मीन्स ए भी दे रखा है, ए इज इक्वल टू 10। और क्या दे रखा है, एन दे रखा है, नंबर ऑफ टर्म्स इज 14। ठीक है, और सम 14, एस 14 कितना दे रखा है, 1505। अब ये तीनों वैल्यूज हम इसके अंदर पुट करते हैं तो देखते हैं हमारा क्या आता है। ठीक है, तो हमारा आ जाएगा 1505 इज इक्वल टू 14 बाई टू, नेक्स्ट 2 इंटू 10 प्लस n इज 14, 14 माइनस 1 इज 13, 13d। तो ये हम क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं इसके साथ, तो ये कितना आ जाएगा हमारा 3010, दैट इज इक्वल टू 14, दैट इज इक्वल टू 14। नेक्स्ट 2 इंटू 10 इज 20 प्लस 13, 14 को नीचे की तरफ लेके जाते हैं तो हमारा हो जाएगा 3010 बाय 14, दैट इज इक्वल टू 20 प्लस 13d, 20 प्लस 13d। अब इसको हम कट करते हैं तो देखते हैं हमारा क्या आएगा, 2 से कट करो, नीचे आ गया 7, ऊपर आ गया 1505, 1505। ठीक है, 7 से कट हो रहा है क्या, जस्ट चेक करते हैं हम, 14, 10 इज 10, दैट मीन्स 1 3 5, यानी कट हो रहा है, तो 7 से कट करेंगे तो ये हमारा आ जाएगा यहां पर 2, 14, 1 3 5, यानी 5 3 1 5। तो हमारी वैल्यू क्या आ गई, 215 इज इक्वल टू 20 प्लस 13। 20 को लेफ्ट साइड में लेकर आते हैं तो हमारा हो जाएगा 215 माइनस 20 इज इक्वल टू 13। माइनस करो, 215 माइनस 20 इज 195, 195 इज इक्वल टू 13d। ठीक है, 13 को नीचे की तरफ यानी d की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं तो ये आएगा हमारा 195 इज इक्वल टू 13d। तो व्हाट इज d, d इज इक्वल टू 195 बाय 13। ठीक है, कट करेंगे तो क्या आएगा हमारा, 1 और ये हमारा 1 टाइम्स गया, क्या बच गया 19 में, 13 क्या, तो 65, यानी 5। तो d की वैल्यू हमारी क्या आ गई, 50। ठीक है, अब इसने कहा फाइंड इट्स 25th टर्म, दैट मीन्स वी हैव टू फाइंड a25, दैट इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1d। इसमें वैल्यू पुट करो, ए हमारा 10 था प्लस एन इज 25, नाउ 25 लिखा हुआ है तो 25 माइनस 1 इज 24 एंड डी इज 15,
that is equal to 10 plus 24 into 15 कितना होता है करके देखते हैं हम 5 4 जा 20 2 कैरी 10 11 12 4 एंड 2 0 6 3 360 10 प्लस 360 इज 370 ये आपका आंसर है ठीक है।